दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है आप सभी के लिए। मैंने जैसे कि कहा था आप सभी से कि एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया है दोस्तों, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दोस्तों आउट हो गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया है। ये दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन है RRB सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1 2019/2, 2019/3/2019। दोस्तों इसमें तीन नोटिफिकेशन है, ठीक है, देखिए इसमें 1, 2, 3, ठीक है, और ये हमारा RRC होगा एक, एक हमारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर होगा। ठीक है, देख लीजिए आप आगे यहाँ बताया गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB एंड ओनली रिक्वायरमेंट सेल्स रेलवे गवर्नमेंट से RRC इसे कहते हैं इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। दोस्तों आपके लिए पोस्ट आ चुकी हैं, पूरी की पूरी पोस्ट देख लीजिए। सबसे पहले नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी आप सब जानते हैं रेलवे की बेस्ट जॉब NTPC। इसमें दोस्तों आपके पद होंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। दोस्तों आपके बहुत ही यहाँ पर अच्छे पद हैं, आप सभी जानते हैं NTPC के पद हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों NTPC की पद की बात करें तो आपने देख लिए होंगे ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं जो पद हैं, और इसकी दोस्तों यहाँ पर आपकी एज है लगभग जो पिछली बार NTPC दोस्तों आया था उसी के अकॉर्डिंग हम देखें दोस्तों 18 से यहाँ पर 32 साल के बीच जिसकी दोस्तों एज है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाई यहाँ पर आप डाल सकते हैं फॉर्म को। और दोस्तों इसको आपको जल्द ही यहाँ पर मैं आपको आगे डेट बताने वाला हूँ कब से यहाँ पर ऑनलाइन करना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ऑनलाइन डेट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन एज 28/2/2019। दोस्तों 28/2/2019 से RRB CN नंबर 1 के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट आया है आपका यहाँ पर बी में। ठीक है, देखिए चार चार प्रकार के पोस्ट हैं, ये की हमने बात कर ली है, अब हम बी की बात करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका बी पोस्ट होगा यहाँ पर पैरामेडिकल है स्टाफ का। ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सुपरटेंडेंट, ETC। जो दोस्तों रेलवे के यहाँ पर आपने देखे होंगे, आपने जो हॉस्पिटल देखे होंगे रेलवे के, उसमें दोस्तों जो स्टाफ होते हैं वो ही आते हैं पैरामेडिकल स्टाफ में। ठीक है, उसमें आप डॉक्टर देखते हैं रेलवे के, जो मलेरिया इंस्पेक्टर होते हैं, कोई फार्मासिस्ट होते हैं, कोई लैब टेक्नीशियन होते हैं, दोस्तों वही पद हैं। ठीक है, ये द ओपनिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन इज 4/3/2019। 4/3/2019 से आप लोग यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ए डिग्री है तो। ठीक है, RRB CN नंबर 2 होगा। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी की। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है चार प्रकार की पोस्ट हैं, इसमें दोस्तों सी नंबर का है हमारा यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके होंगे लाइक स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ETC पद होंगे। ठीक है, इसकी दोस्तों आप लोग आवेदन प्रक्रिया दोस्तों आपकी शुरू होगी 8/3/2019 से RRB CN नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों आती है बहुत ही बड़ी खबर, जो लोग थे परेशान वो आ चुके हैं आपके पद, वो हैं आपकी Level 1 पोस्ट, वो हैं आपकी Group D। आप खुश हो चुके होंगे जो लोग यहाँ पर कम नंबर आए थे, वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपकी जॉब आने वाली है, आपको जहाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है ये Group D दोस्तों आप सभी के लिए पोस्ट है, और इसमें दोस्तों आप लोग ITI वाले और यहाँ पर 10 पास वाले इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, जो कि दोस्तों आपका ट्रैकमैन होता है, ठीक है, ट्रैकमैन पोस्ट आया है, गेटमैन आया है जो गेट लगाते हैं रेलवे फाटक, पॉइंट्समैन आया है जो लोग पॉइंट्समैन यहाँ पर होते हैं, हेल्पर्स एंड वारियस पोस्ट, दोस्तों हेल्पर के पोस्ट हैं और यहाँ पर अधिक, और दोस्तों आपके ETC पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके जो दोस्तों डिपार्टमेंट होगा इन सभी पोस्टों का बताया गया है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड SNT डिपार्टमेंट, पोर्टर, देखिए हमारे पोर्टर का पोस्ट भी दोस्तों है। द ओपनिंग डेट Group D वाले दोस्तों यहाँ पर कब से भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 12/3/2019 से। देखिए दोस्तों साफ साफ कहा गया है RRC नंबर 1 CN नंबर 1 2019 आपका यहाँ पर रहने वाला है जॉब Group D वालों का। ठीक है, जो लोग भी दोस्तों कम नंबर आए हैं हताश मत होइए, तैयारी दम से कर दीजिए और हमारे साथ दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर साइंस का क्लासेस देने वाला हूँ, जैसे कि आपने हमारी क्लासेस भी देख ली होंगी। ठीक है, जिससे कि आपको पता है कि आपके आप यहाँ पर आपका साइंस अगर हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है इस बार Group D में पास होने के लिए। ठीक है, और आपका दोस्तों NTPC आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली यहाँ पर क्लास मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैकेंसी की, वैकेंसी क्या रहने वाली है, टोटल टोटल वैकेंसी रहने वाली है 1,30,000। अब रेलवे ने दोस्तों ये खुलासा नहीं किया है कि NTPC में कितने पद होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ में कितने पद होंगे, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में कितने पद होंगे, Group D में कितने पद होंगे। ठीक है, ये आपको 28 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, 28 तारीख को या फिर 23 तारीख को आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आपके कितने कितने पद हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा है कि आपका डिटेल्स या नंबर पब्लिश होगा आपका यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर सब सब कहा गया है कि आपका 23 तारीख को यहाँ पर पब्लिश होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एज की, एज क्या रहने वाली है। मैंने पहले ही कहा है एनटीपीसी में आप लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो लेकिन, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कोई भी आपके पास डिग्री हो, आप इसको भर सकते हैं। लेवल वन कोर्स के लिए आईटीआई 10 पास अनिवार्य है, दोनों भर सकते हैं। पैरामेडिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर मेडिकल की डिग्री आपके पास होना जरूरी है, और दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर साइंस की डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज की, एज की आपकी एनटीपीसी में 18 से 32 जो पिछली बार थी, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो 23 तारीख को यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन, 100 नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। लेवल वन पोस्ट के लिए आप जानते हैं ग्रुप डी का जो अभी हाल में चल रहा था वही रहेगा, और दोस्तों इसमें भी हमारा 18 से 32 होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सब सब कहा गया है कि 1/7/2019 को आपको इतना इतना होना चाहिए, और आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सी एन नंबर पब्लिश दोस्तों होगा, जो कि आर आर बी होगा, RRC होगा, तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पे स्केल वही आपको 7 वे पे कमीशन के दोस्तों हिसाब से मिलने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें यहाँ सब सब कह दिया है कि डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रीपेस्ट फॉर वेरियर पोस्ट, फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू द सी एन नंबर वी बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB और RRC वेनेवर एप्लीकेबल। मैंने पहले ही कहा है कि अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखना जरूरी है, और मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ देख दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है पॉइंट नंबर 5 में, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर द प्रीसेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। यहाँ साफ साफ कह दिया है आपके यहाँ पर बी कॉम, एम कॉम, बी एस सी, आई टी आई 10 पास सब चल रही है, कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है, तो आप हमको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री, आपकी कोई भी दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको पता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अलग अलग रहते हैं, तो मैं इसका डिटेल में आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा जब भी आएगा, ठीक है। यहाँ बताया गया है रिजर्वेशन, आप सभी जानते हैं कि 5 साल के यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है एस सी एस टी के लिए, 3 साल का ओ बी सी के लिए, और 10% यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा सर्वणों के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। यहाँ नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम लोग, तो दोस्तों आपके यहाँ पर जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये लगेंगे फ़ी के, और आपको 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे, जैसे कि ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी में देखा गया है। और हमारे SC ST भाई बहन हैं, और हमारे एक्सर्स मैन हैं, PWD फीमेल हैं, ट्रांजेस्टर हैं, उनके 250 रुपये लगेंगे, उनको 250 के 250 रुपये लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए देखिए NTPC कब से ऑनलाइन आवेदन करना है, 28 तारीख से ऑनलाइन आवेदन करना है, इसी 28 से, ठीक है, 10 बजे से। पैरामेडिकल के लिए 4 तारीख से अगली मार्च में करना है, मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए 8 तारीख से करना है, ग्रुप डी के लिए यहाँ पर 12 तारीख से करना है। खुश हो जाइए दोस्तों ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आप लोग की पहली पसंद ग्रुप डी होती है, ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन में, भगवान करिए आपका यहाँ पर जॉब लग जाए इस बार, जो कम नंबर वाले हैं, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ये आप सभी के लिए करना पड़ रहा है हमें, आप सभी के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े हैं, तो मैं ये सब आपके लिए सबसे पहले जानकारी देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 11 नंबर 12 नंबर पॉइंट इतना अच्छा माने इतनी खास नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपकी जो 21 RRB हैं, 21 की 21 RRB में आपका यहाँ पर जॉब रहने वाली है, जो कि आप सब जानते हैं कि अलग अलग RRB भाई अलग अलग भरना है, तो यहाँ यहाँ पर अपनी विवेक और बुद्धि के हिसाब से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो दोस्तों वहाँ फॉर्म डालिए, जहाँ वैकेंसी कम हो वहाँ फॉर्म डालिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कहाँ डालना है फॉर्म, ठीक है। और दोस्तों इसकी दोस्तों यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि लेवल वन पोस्ट ग्रुप डी के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए RRC की, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी दिया है फ़ोन नंबर दोस्तों, यहाँ पर लोग आप लोग साफ साफ यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहिए हो, इससे NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे कोई भी जानकारी हो इस जॉब से संबंधित, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।